तू कह रहा कि मैं पिज्जा लेने तो जा रहा कल हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इस खुशी में पिज्जा मंगवाया है, ठीक है? तो आप लोग भी खा लो पिज्जा, आ जाओ हम लोगों के साथ पार्टी कर लो। आज पिज्जा पार्टी की है हम लोगों ने, यम्मी यम्मी। देख लो ये पिज्जा है, यहाँ पे सब खाएंगे भी पिज्जा। ये देख लो आइसक्रीम खाने में कैसे मगरूर हो रहे हैं। क्या आइसक्रीम कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मेरा रक्षु भी बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा व्लॉग पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर करना आप लोग। तो देख लीजिए आज सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ, तो आके देखिएगा मैं कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग रेडी वेडी होके, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, ठीक है दोस्तों? तो आगे देखते हैं। तो आज का लुक ये है मेरा, देखो कहाँ जा रही हूँ मैं, अभी बताऊँगी आपको, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयारी हो चुकी है ससुराल जाने की, हस्बैंड लेने आ चुके हैं मुझे, वो देखो वो खड़े हैं। और चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा होता हो लेकिन हस्बैंड को देख के अलग ही खुशी आती है जब वो लेने आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं दुखी थी, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो ये 1 महीने बाद अपने पति से मिल रही हूँ आखिर, देख लो। और यहाँ पे कुछ मजाक कर रहे थे इसके पापा, फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, सब छोड़ के चले गए थे हमें बाहर। और ये रक्षु के पापा गाड़ी चला रहे हैं, मैं बैठी हूँ, रक्षु मेरी गोदी में बैठा था। और यहाँ पे ना गाने चल रहे हैं तो इसलिए मैंने वॉल्यूम कम कर दिया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे, रक्षु के पापा से मैं बहुत सारी बातें कर रही थी, वो भी मुझसे बहुत सारे बतला रहे थे। वो तो बेचारे आके ना दिल्ली में रोडों को ही गाली देते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। मैंने कहा चुप रहो, चल लो सीधा। हाँ, और बस बहुत इंजॉय किया था, वही है, मन तो बहुत उदास था मेरा क्योंकि पियर तो पियर ही होता है। सबसे बड़ी बात, 1 महीना रही थी मैं तो मतलब अजीब सा लग रहा था, पर जाना तो अपने घर था ही ना, है ना? तो फिर बस रक्षु मैं और उसके पापा लेने आ गए थे हमें, तो दीदी ने दे दिए थे जो उसको देने थे पैसे वगैरह। और यहाँ पर मतलब कि थोड़ा हम लोग जाम में भी फंस गए थे बीच में, ये दिल्ली की रोड है देख लो हमारी दिल्ली। अब तो मैं पता नहीं कब आऊँगी, मैं अब थोड़ा टाइम बाद ही आऊँगी क्योंकि बहुत दिन हो गया रहते हुए। तो ये देख लो हम लोग जा रहे थे, और पता है क्या है, सब कुछ ठीक चलता है मतलब कि, लेकिन है ना हमारे जो घर में कुछ लोग हैं ना वो लड़ाइयाँ करवा देते हैं हस्बैंड वाइफ की, तो इस वजह से थोड़ा हमारा सिस्टम हैंग कहते हैं ना इसे, हो जाता है। बाकी कोई नहीं, अब मैंने सोच लिया मैं किसी की बातों में आके अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं करूँगी। और देख लो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, रक्षी के पापा कुछ सामान लेने गए थे, मुझे नहीं पता वो क्या लेने गए थे। यहाँ पे रक्षु को, इस बार रक्षु की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बाकी इस बार हर बार मेरी तबीयत खराब होती है गाड़ी में बैठ के, लेकिन इस बार मेरी रक्षु की तबीयत खराब हो रही थी। बार बार ना वो ऐसे कर रहा था, मम्मी उल्टी, मम्मी मतलब उल्टी आ रही है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, उसको उल्टी आई नहीं थी, पर उसका जी खराब हो रहा था। तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी, तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक रक्षु को पसंद है और कोल्ड ड्रिंक से ना जी भी थोड़ा ठीक हो जाता है। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने गाँव, देख लो यहाँ आ गया हमारा थोड़ा गाँव। और वैसे एक बात है, गाँव में रहते रहते हैं ना तो शहर की ना हवा पानी हम लोगों को जल्दी से छूट नहीं होती, क्योंकि जब मैं दिल्ली जाती हूँ ना अपने घर, तो वहाँ की हवा पानी मुझे छूटनी होती है जल्दी से, थोड़े दिन में ही जाके होता है, और यहाँ पे आती हूँ तब भी ऐसे होता है। तो ये आगे मेरे ससुराल, कर लिया मैंने ओल्हा, हो गई मैं बहू रानी, पहले मैं बेटी थी अपने पीहर में, अब मैं बहू हो गई हूँ। तो ये गाँव आ गया हमारा, तो मैंने घूंघट वूंघट कर लिया यहाँ पे अड्डे पे, यहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं इनको। तो इस बार ज़्यादा मैंने कुछ खा नहीं आप लोगों से, तो देखो फ्रेंड्स इतना ही कहूँगी, आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जितने भी नए लोग मेरा व्लॉग देखते हैं मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमियां होती है तो बता दिया करो यार आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो आखिर, है ना? और देख लो ये हमारा घर आने वाला है, हमारे घर का ही रोड है, यहाँ आ गई मैं घर पे। अभी हस्बैंड लेके आए थे गोलगप्पे, आते पहले हमने गोलगप्पे खाए थे, मेरी सासू माँ ने भी खाए थे, और ये आगे मैं दूसरा वापस आ गई, पूरे 1 महीने में वापस आई हूँ मैं, देख लो। अब यहाँ पे काम शुरू करूँगी, अपना रूम साफ करूँगी, धूल मिट्टी हो रही है सारे, देख लो धूल मिट्टी, धूल धूल, ये देखो गंदगी, ये देखो धूल, ये देखो। तो
फाइनली ये पूरा कमरा जचाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग जरूर बताना कमेंट करके, और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर से जरूर करना। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। ओके, बाय बाय।